हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। भारी बारिश के चलते आई बाढ़ ने देश के कई हिस्सों को किया अस्त व्यस्त। यूपी बिहार से लेकर दक्षिण में तेलंगाना समेत कई राज्यों में भारी बारिश से लोग हुए परेशान। लगातार बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। पहाड़ी राज्यों को भूस्खलन ने किया अस्त व्यस्त। पलायन को मजबूर हुए लोग। विपदा से निपटने के लिए इंतजाम करती राज्य सरकारें। मानसूनी बारिश थमने को तैयार नहीं। पिछले कई दिनों में देश के किसी न किसी हिस्से में, किसी न किसी कोने में भारी बारिश दर्ज हो रही है, जिसके चलते मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। तो चलिए जानते हैं बाढ़ प्रभावित राज्यों की ताजा स्थिति के बारे में। नमस्कार, मैं पूजा हिंद भारत न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं यूपी की, जहाँ पर भारी बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी भर गया है। बता दें कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया था। राप्ती नदी में आई बाढ़ ने गोरखपुर के एक गांव का वजूद जैसे बिल्कुल मिटा ही दिया हो। इसके अलावा बिजनौर में भी बाढ़ का खतरा बरकरार है। भारी बारिश के बाद कई गाँव का संपर्क भी टूट गया है। वहीं बिहार में भी बाढ़ से बुरी स्थिति है। यहां पर लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहां पर कई जिलों के गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हालांकि राहत कार्य जारी है। वहीं मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। भारी बारिश से आई बाढ़ के चलते काफी संख्या में लोगों की मौत भी हुई है। दक्षिण का तेलंगाना भी इस वक्त प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बाढ़ प्रभावित राज्यों की समीक्षा भी की है। उधर महाराष्ट्र में पहले ही मूसलाधार बारिश के चलते जलभराव हो गया है। कहीं कहीं तो बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे में आज भी मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं बात अगर असम की करें तो यहां पर भी बाढ़ की स्थिति में अब सुधार देखने को मिला है। हालांकि अभी भी काफी संख्या में लोग प्रभावित हैं। देखा जाए तो जाते हुए मानसून ने दुनिया को बड़े पैमाने पर, या कहें बड़े स्तर पर अस्त व्यस्त कर दिया है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें हिंद भारत न्यूज। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।